उसके बाद सूर फूंकने का तस्करा फरमाया गया, वयौम युनफखु फिस्सूरि वनुफिखा फिस्सूरि फसईका मन फिस्समावाति वमन फिल अर्द। जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा तो जो जमीनों में है और आसमानों में है सब मर जाएंगे। क्या आवाज के निकलने से कोई मर जाएगा? उनसे नहीं, आवाज निकल रही। इसराफील अली सलाम सूर अपने मुंह में लिए हुए बहुत अलर्ट खड़े, सूर उनके मुंह में, अल्लाह के हुक्म के मुंतजर। ये फरिश्ता ऐसे ही अल्लाह के हुक्म पर मुकर्रर है। जैसे हुक्म हुआ बिना किसी ताखीर के फौरन सूर में फूंक डाल देगा और आवाज निकलेगी। इस आवाज की वजह से पूरी कायनात का निजाम दरहम भरम हो जाएगा। जदीद साइंस ने, जदीद फिजिक्स ने इसको समझना आसान कर दिया। कैसे? फिजिक्स पढ़ने वाला तालिबे इल्म जानता है कि दुनिया के हर शय की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ज़ाती फ्रीक्वेंसी, जिसको उर्दू में तादुद कहते हैं, उसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उर्दू में उसको तादुद कहते हैं और इंग्लिश में उसको, और फिजिक्स की इस्तेलाह में उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कायनात के हर शय की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और अजीब बात तो ये है, अगर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी दूसरी शय की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो वो चीज़ तबाह हो जाती है। मसलन एक पुल है, पुल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, पुल बन गया, पुल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जी। अब उसके बाद फौजी अगर मार्च के अंदाज में कदम से कदम मिला करके पैर को पटकते हुए चलें और एक खास आवाज निकालें, तो उनके इस आवाज निकालने पर जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, अगर पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो पुल गिर जाएगा। ये साबिता है। ऐसे ही हजरत इसराफील अलैहि सलाम के सूर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, बारी ताला की तरफ से मुकर्रर करता था। अब कायनात की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई तो यकीनन मैच हो जाएगी, जाहिर है कि पूरे कायनात का निजाम दरहम बरहम होने वाला है। यकीनन, श्योर, टू बी श्योर, यकीनन। तो वनुफिका फिस्सूरि फसईका मन फिस्समावाति वमन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। क्या इस सूर के फूंके जाने पर कुछ लोग बाकी रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? जी हाँ, जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहे। वो कौन लोग हैं? जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, जो खुद सूर फूंक रहा है। इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिसे अल्लाह चाहे, सूर की आवाज उसके ऊपर असर नहीं करेगी, इसलिए कि हजरत इसराफील की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है।